हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल पलसानिया नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले जो मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं सीएचओ एग्जाम्स के लिए, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ये पार्ट टू है, बाकी फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, उसको देख लीजिए। और पर्टिकुलर कौन सा प्रोग्राम कब आया था उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो है, कौन सा डे कब सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में वीडियो है। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां पे आपको वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए आज का, और जो कोई दोस्त चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो आंसर क्या होगा अपना, 2007 से 2008 के बीच में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट इंडिकेटर शुड बी, जो कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट होता है वो किसको इंडिकेट करता है, ठीक है, किसको करता है? फीसिबल, ठीक है। फीसिबल का हिंदी में मीन्स होता है संभव, ठीक है, या बोल सकते हैं संगत, ठीक है। नेक्स्ट, काला हजार ट्रांसमिटेड बाई, जो काला हजार डिजीज है किससे ट्रांसमिट होता है? होता है हाउस फ्लाई, जो नॉर्मल घर के अंदर हाउस फ्लाई देखने को मिलती है उससे काला हजार ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। प्लस पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इन आवर कंट्री टू, प्लस पोलियो जो प्रोग्राम था जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था? इराडिकेट पोलियो, पोलियो क्या करना था? इराडिकेट करना था। नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज, दोस्तों जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 80 से 110 mg पर 100 ml पे नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। नाइजर बॉडी आर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशन, जो नाइग्री बॉडीज हैं वो कौन सी डिजीज कंडीशन में पाई जाती हैं? तो रेबीज की कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ इन इंडिया, इसके चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, हेमरेज, एपीएच, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन। तो किसकी वजह से होता है? हेमरेज की वजह से, ठीक है। जो पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होता है? हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज कंसिडर टू विच टाइप ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन माना जाता है, ठीक है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो क्या माना जाता है? सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो स्कैनिंग का जो भी एग्जामिनेशन करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं वो कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आता है? सेकेंडरी में, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी प्रकार का स्कैनिंग वाला हो या डायग्नोसिस वाला हो, इसमें आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च ऑन, जो जननी सुरक्षा योजना है कब लॉन्च की गई थी? 12 अप्रैल 2005 के अंदर लॉन्च की गई थी, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी का फादर कौन है? जॉन स्नो, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट, जो फर्स्ट राउंड था पोलियो इम्यूनाइजेशन का, पल्स पोलियो का, वो कब स्टार्ट किया गया था? December 1995 के अंदर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड एज, इम्यूनाइजेशन यूज्ड करते हैं किसके बिहाफ पे? प्राइमरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन या प्रीमोडियल प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन जो करते हैं वो कौन से प्रिवेंशन में आता है? तो कौन से में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंस, इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट है न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज, सेकेंड है ओल्ड केसेस ऑफ एनी डिजीज, थर्ड है टोटल केसेस ऑफ एनी डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज, किसी भी प्रकार की जो नई डिजीज आती है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट, कलर कोड ऑफ CO2 गैस सिलेंडर, तो कौन सा कलर का होता है CO2 गैस सिलेंडर? ग्रे कलर का, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन इंडिया फर्स्ट, जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम आया था वो इंडिया में कब आया था फर्स्ट? कब आया था? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर क्या आया था? नेशनल प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग फर्स्ट आया था इंडिया के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ था?
1929 के अंदर स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, ऑप्शन आपके सामने है, ओपीवी एंड मीजल्स, डीपीटी एंड एमआर, टीटी एंड डीपीटी, या फिर टीटी एंड ओपीवी। इनके अंदर हीट रेजिस्टेंस बताना है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन बतानी है, तो कौन सी है? टीटी तो क्या रहेगी, हीट रेजिस्टेंस होगी, और ओपीवी क्या होगी, हीट सेंसिटिव होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हीमोफीलिया ए इज करैक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो हीमोफीलिया ए है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो किसकी होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8, ठीक है। वोट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के दौरान रूम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मेंटेन करते हैं तो कितना करते हैं, 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड, 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ये रूम टेम्परेचर को लेके हैं, जैसे ओटी का, आईसीयू का, इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। द स्पाइनल कोड इज मेड ऑफ, स्पाइनल कोड किससे मिलके बनी होती है, न्यूरॉन्स, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था, 1985 के अंदर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट इन तेलंगाना, जो फर्स्ट नर्सिंग काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी कहाँ, तेलंगाना में, और कब हुई थी वो बताना है, तो कब कब हुई थी, 1926 के अंदर फर्स्ट नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तेलंगाना के अंदर, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड, बीएससी नर्सिंग कब स्टार्ट हुआ था, नर्सिंग कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था, ठीक है। एमएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड, एमएससी नर्सिंग का कोर्स कब आया था, 1959 के अंदर एमएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट किया गया था बीएससी नर्सिंग के बाद, ओके। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग आईएनसी का गठन कब हुआ था, 1947 के अंदर हुआ था, प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं टी दिलीप कुमार, ओके क्लियर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग आईसीएन 1899 के अंदर हुआ था, कहा, जनेवा के अंदर, जनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जून 21 को, ठीक है। एचआईवी केस फाउंड इन यूएसए, यूएसए के अंदर जो एचआईवी केस मिला था तो कब मिला था, 1981 के अंदर फर्स्ट एचआईवी केस मिला था, कहाँ, यूएसए के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एचआईवी केस फाउंड इन इंडिया, जो फर्स्ट एचआईवी केस मिला था इंडिया के अंदर, तो चेन्नई के अंदर मिला था, चेन्नई के अंदर कहा, तमिलनाडु के अंदर मिला था, कब मिला था, 1986, 5 साल के बाद, यूएसए में मिला था 1981 के अंदर, इंडिया के अंदर मिला था 1986 के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। रेनिन हार्मोन इज सीक्रेट बाई, जो रेनिन हार्मोन है वो किससे सीक्रेट होता है, किडनी से, ठीक है। द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी इज, जो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है कौन सी होती है, पेरिटोनियम, ओके। नेक्स्ट, कोपोस्कोपी इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, जो कोपोस्कोपी है वो किसके यूज में लेते हैं, कौन से एग्जामिनेशन करते हैं उसके थ्रू, सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं किसके हेल्प से, कोपोस्कोपी की वजह से। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्यूरिफाइड बाई, जो अनऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो कौन प्यूरिफाइड करता है, तो कौन करता है, सिंपल आंसर क्वेश्चन है, लंग्स, ठीक है। विच विटामिन आर गुड फॉर आई, जो विटामिन होती है वो उनमें से कौन सी अच्छी होती है आई के लिए, आंख के लिए कौन सी बेस्ट विटामिन मानी जाती है, विटामिन ए, ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर आर डिस्कवर बाई, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किसने डिस्कवर किया था, थॉमस सेलिफोर्ड अल्बर्ट ने, ओके। कंफर्म इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का कंफर्म इंडिकेशन क्या होता है, फीटल हर्ट साउंड इन यूएसजी, यूएसजी के दौरान जब फीटल हर्ट रेट सुनने को मिलता है तो उसे अपन कह सकते हैं कि कंफर्म इंडिकेशन है किसका, प्रेगनेंसी का, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, विटामिन विच हेल्प इन वुंड हीलिंग, कौन सी ऐसी विटामिन है जो वुंड हीलिंग के अंदर काम में आती है या हेल्पफुल होती है, कौन सी होती है, विटामिन ई, ओके।
नेक्स्ट, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाई एच आई वी इन्फेक्शन, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो एच आई वी इन्फेक्शन से क्या होती है, अफेक्टेड होती है, तो कौन सी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी। कोलेरा इज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज या फंगल डिजीज या प्रोटोजोअल डिजीज, तो कौन सी है, कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, बता रहा हूं आपको। कोलेरा के अंदर क्या होता है, अपन को राइस स्टूल वाटर देखने को मिलता है, स्टूल किस कलर का मिलेगा, राइस वाटर, ठीक है। डिजीज रूबेला इज नोन एज रूबेलो, जर्मन, मीजल्स, पटोसिस या फिर मीजल्स, किस नाम से जाना जाता है, रूबेला दूसरा नाम क्या होता है, जर्मन मीजल्स इसको बोलते हैं, इसको रूबेला को, ओके। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ द वूफिंग कफ इज, जो वूफिंग कफ है उसका अदर नेम क्या होगा, देखिए निमोनिया बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं, पेटोसिस बोलते हैं, जर्मन मीजल्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पेटोसिस, ठीक है, पेटोसिस इज ए करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज सीन इन, जॉन्डिस किस में देखा जाता है, लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, जॉन्डिस किसके अंदर देखा जाता है, लेप्टोस्पिरोसिस, ओके। कोलरिक टेस्ट इज डन, कोलरिक टेस्ट होता है वो किसके अंदर देखा जाता है, वटिको के अंदर किया जाता है। स्मॉल पॉक्स ऑफिशियली डिक्लेयर इराडिकेट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड बाय WHO इन द ईयर, जो स्मॉल पॉक्स है उसको WHO के द्वारा ऑफिशियली कब इराडिकेट माना गया है, कौन सी ईयर में माना गया है, तो कौन सी ईयर है, 1980 के अंदर माना गया है, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टेक इन द ईयर, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, फर्स्ट जनगणना कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, इंडिया के अंदर, ठीक है, कब कब हुई थी, 1881 1881 के अंदर फर्स्ट जनगणना की गई थी इंडिया के अंदर, ओके। WHO वाज एस्टैब्लिश ऑन, WHO का गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ था, ठीक है। इन इंडिया गोइटर इज फाउंड कॉमनली, इंडिया के अंदर जो गोइटर डिजीज होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ, हिमालय रीजन में, और हिमालय रीजन में क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोइल होती है जो कम पाई जाती है, दूसरी चीज जो हिमालय पे बर्फ वगैरह होती है, आयोडीन होता है वो क्या होता है, वहां पे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, गोइटर डिजीज होती है, क्योंकि वहां पे आयोडीन की क्या है, डेफिशिएंसी है हिमालय रीजन के अंदर, ओके। पैकेट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिल्स, जो कितने पिल्स पाई जाती है, नंबर ऑफ पिल्स कितनी होती है, कितनी होती है, 21 कॉन्ट्रासेप्टिव होती है और प्लस में 60 आयरन की पिल्स पाई जाती है, ठीक है, इसलिए 28 टोटल, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इज, जो BMW को रिफ्यूज करते हैं या फिर डिस्पोजल को रिफ्यूज करते हैं, तो कौन सा ऐसा सेटिस्फैक्टरी मेथड है, कौन सा है, इंसिनरेशन, ओके। नेक्स्ट, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज फाउंड इन विच स्टेट, IMR, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे IMR ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा स्टेट है, MP, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए 50 क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से CHO एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर CHO एग्जाम्स। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई दोस्त नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उससे ही क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए अमेजिंग वीडियोस हम बनाते लेके आएंगे आपके लिए, और आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।